and assalamu alaikum, this is me Rabika Kashif Khan. Welcome back to my YouTube channel. Assalamu alaikum. आपकी रबीका काशिफ खान की तरफ से आप सबको रमजान करीम बहुत बहुत मुबारक हो। पिछले साल की तरह इस रमजान भी मैं लेके आ रही हूँ सहरी और अफ्तारी का खास एहतमाम। मैं आप लोगों के साथ रहूंगी कनेक्टेड ओनली ऑन रबीका खान यूट्यूब चैनल। देखना मत भूलिएगा, जब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। धमाकेदार व्लॉग के साथ आपकी रबीका काशिफ खान हाजिर है एंड ऑल सेट फॉर टुडे। ऑफ कोर्स यू गाइस ऑलरेडी नो कि आज है ज़ारिफ का निकाह। ओ माय गॉड, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, उनका आज निकाह है। उन्होंने कहा था कि 7 बजे जो है वो निकाह हो जाएगा। 7 तो अभी मुझे घर में बच गए हैं। होप सो कि जब मैं पहुंचू तो निकाह हो रहा हो या होने वाला हो चुका ना हो, प्लीज प्लीज प्लीज, अलग अगर ऐसा ही हो, बट जो भी होगा वो आप लोग ब्लॉग में देखेंगे, तो फुल ब्लॉग आप लोग ने जरूर देखना है। आई नो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और जल्दी से मुझे जाके बताना कि मेरा आउटफिट कैसा लग रहा है। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं और हमने अभिया को भी ले लिया है उनके घर से। मोहतरमा ने आज मेरी ट्रेनिंग की है, मतलब ट्रेनिंग मतलब कि हमारे साड़ी पहनी है, कलर का फर्क है। हाँ कलर का फर्क है, लेट्स सी वहाँ जाके मतलब कौन साड़ी पहना हुआ होता है, लगे कोई ना पहना हुआ। भैया भी बिल्कुल तैयार है, मम्मा बाबा इज आल्सो गोइंग विद अस एंड वहां जाके मैंने खुद सबके निकाह में इतना खुश होता है, ऐसा लगता है मुझे लगा तो वहां से कैमरा ऐसा लगता है जैसे इसका निकाह होने वाला है। हर जगह तैयार होकर जाएगा कि मेरा निकाह। ये वाटर से सब हर छुआरे लेने के बाद कहता भाई या अल्लाह हम मेरा निकाह करवा दे। भैया यू वांट टू से समथिंग, भैया जवाब दो। यहाँ पे हम लोग अपनी साड़ियाँ सेट कर रहे हैं। साड़ी पहनने का ये बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि मतलब यार सेट करनी पड़ती है मिनट मिनट में, बट खैर हमारी साड़ी सेट हो चुकी है। मजे की बात पता है, हम लोग आ गए मगर अब तक जरनाब नहीं आया, और जब मैंने कॉल की थी हम लोग 10 मिनट में पहुंचे, तुम लोग कहाँ रह गए? ऐसे बोला, हमें मैसेज करके बोला था कि ठीक 7 बजे का मतलब 7 बजे 7 बजे निकाह पढ़ा देंगे, और मैं इन इसकी इंतजार में 5:30 बजे से तैयार होकर बैठी हुई थी कि ये मुझे 6 बजे पिक करेगी। और ये कब आई यार? नहीं 7:30 बजे, बट मेरे मतलब मैंने तैयार होना शुरू किया था 3:30 बजे। 3:30 बजे यस, कब उठ गई बेटा? उठ गई जल्दी। अच्छा खैर चलो, लेट सो उठती ना तो मेरा मुंह जो है वो कद्दू बन जाता, स्वेलिंग आ जाती यार। चलो लेट्स गो। मजे का मोमेंट होता होगा ना, मतलब हर लड़की के लिए ये मोमेंट कितना ज्यादा स्पेशल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहू व नस्तग़फिरुह। शैतान मुबारक हो गया, हो गया, हो गया, सारे में हो गया। क्यों लगता है ये गाना आपके लिए लगा है? हाय अल्लाह, क्या पता उन्होंने मुझे देख लिया हो। रखो बहुत बहुत मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं यार पीछे कर रही थी, घबराने में मैं पीछे चली गई, लेकिन बहुत मुबारक हो लाली, मैं हाथ कैसे मिलाऊं भी। फाइनली रबीका की ख्वाहिश पूरी हो गई, लाली की शादी हो गई। लाली की बोल दिया, लाली शादी कब? फाइनली माशाल्लाह माशाल्लाह मुबारक हो, मुबारक माशाल्लाह माशाल्लाह, गॉर्जियस एडोरेबल ब्यूटीफुल, जितना बोलो कम है, माशाल्लाह माशाल्लाह। दस मिनट आ रहा।
बहुत अच्छी बात है। रवि का जो मैंने शूट करा है ना, उसका सरप्राइज रिवील होगा ना, सबके उड़ जाएंगे होश, क्योंकि हम लोगों ने इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट करा, मट्टी मट्टी होगा। आ चुकी है जो कि ढोलकी में भी लेट आई थी और निका में भी लेट आई है। आ चुकी थी लेकिन ये जो है ना लेकिन ये मैडम बहुत ज्यादा बिजी है आज, यू नो व्हाट पुराने लोगों से मिलने के बाद इंसान थोड़ा सा उतावला हो जाता है, लेकिन ये बहुत उतावला से को देखकर उतावली हो गई। पता है मैं उनसे 2 साल बाद मिल रही हूँ, दो साल बाद तो मुझे देख के हैरान होगा कि मतलब इतनी बड़ी हो गई, चेंज हो गई तो बोले इंसान वक्त के साथ साथ ग्रूम होता है, बड़ा भी होता है ग्रूम भी होता है, और ये हमारी अच्छी बच्ची ग्रूम भी हो गई, अच्छी भी हो गई ना। आप बहुत प्रिटी लग रहे हैं। अब मैं आपसे साड़ी ओ हाँ साड़ी मैंने बहुत ज्यादा अरेंज करने की कोशिश की, लेकिन कहीं से भी साड़ी एक दिन में तो कोई भी नहीं देता, पहले से बता दी तो वो हुई नहीं, तो कोई बात नहीं। थैंक यू। अभी हम आठे रूम में बैठे हैं, यहाँ बहुत अच्छा एसी चल रहा है, बाहर बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी, टाइम मिला है हमें यहाँ आके बैठने का। अभिया की आवाज़ आपको पीछे सुन, अभिया मैंने अभी फोन उठाया यार, नारिम सर नाम के पास जाना है, उनके साथ पिक्चर्स क्लिक करवानी है, वीडियो भी बनानी है, लेकिन अभी उनको टाइम नहीं मिल रहा, तो मैं इसलिए वेट कर रही हूँ उनके लिए कि बस कब टाइम मिलेगा, कब मैं स्टेज पर जाऊँगी। आज मेरी लाली की अम्मी से मुलाकात हो गई है, फर्स्ट टाइम। हमारी मैसेजेस पे तो ऐसे बात होती रही है, लेकिन ऐसे फेस टू फेस मुलाकात फर्स्ट टाइम हुई है, ढोलकी के बाद सेकंड टाइम समझ लें। आंटी आप ढोलकी पे तो इतनी क्यूट लग रही थी, थैंक यू। आप बहुत अच्छी हैं। जो लाली की बाकी चीजें होंगी ना उसमें मैं ऐसे आइडियाज दूंगी, बिकॉज शी इज वेरी गुड इन इट, एंड आई थिंक यू आर द मेन आप बहुत अच्छी हैं, आपको बहुत खुश रखते हैं, बहुत छोटी पप्पू की तरह तुम्हें खुशियों से भर के रखते हैं। थैंक यू आंटी। शादू को टाइम मिल गया, शादू आप पता क्या लगी है, वो नूरजहां मुझे वो कह रहे हैं मुझे दीपिका पादुकोण वाला वो जो दुपट्टा यूं छोड़ के रहती है, लहंगा चल जाता है, अब तो वीडियो में ये गाना लगाना उनका हो वाला। और आपकी जो है ना चांदी जो साड़ी है मुझे बहुत अच्छी लग रही है, तो जब आप ये ना पहन तो आप मुझे डन आप ले लेना। आपने जो सिल्वर वाली साड़ी पहनी थी वो भी तबाही थी, लेकिन उससे ज्यादा तबाही थी, कलर आपने बहुत, आपको पता ये कलर मम्मा स्पेशली लेके आई, बहुत हसी लग रहा है मम्मा, दोनों हसी लग रही है, मम्मा को मैं देखती रहती हूँ, तो माशाल्लाह से है ही हसीन, आपसे तो ज्यादा एग्जैक्टली माँ है वीडियो। चलो फिर अभी हम वीडियोस वगैरह बनाएंगे, पिक्चर्स बनाएंगे, फिर उसके बाद ड्राइंग। आई डोंट नो व्हाई लेकिन लाली बहुत ज्यादा खुश है, आंटी भी बहुत प्रिटी लग रही है, लाली भी, ज़ैब भी, दुआ भी, अपनी शादी में इतना खुश होना है कि रोना आ जाए। इंशाल्लाह। अभी यहाँ मैं दानिश के साथ पिक्चर क्लिक करवा रही हूँ, आप लोग ये देख सकते हैं, ये मेरी वजह से नीचे गिर गया, और जब मैंने पीछे देखा तो ना बस पानी में गिरते गिरते ही बची मैं, वरना मैं धड़ अंदर जाती हूँ, कोई बचाता भी नहीं, फिर बचा तो लेते लेकिन फिर सबको कोई नहीं बचाता। तो ये बहुत प्यारा यहाँ पे सेटअप हुआ है, कटने वाला है, लारे बहुत परेशान है इस वक्त, लाइट खत्म हो गई, मुझे कुछ नहीं करना है, लाइट वाला तो पूरा पिघल गया। मैंने चीकू से कहा कि भाई गौर से देख, मैंने निकाल के देख ले, भाई जाए पिघल के पूरा हाथ कट हो गया दूसरी बारी में, आपने खतरनाक क्यों किया, क्या मैं खा ली नहीं किया भाई, नीचे उतार के बना ले, चलो Oh।
ज़्यादा लेट हो गया है, लेकिन सब कुछ माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया है। लारिब और जना बहुत बहुत प्यारे लगे माशाल्लाह माशाल्लाह। प्लीज़ आप लोग भी देखें तो प्लीज़ माशाल्लाह भी ज़रूर बोल दीजिएगा, क्योंकि नज़रें आपको पता लगती हैं। प्लीज़ से माशाल्लाह। चलो सर ना, मुबारकबाद मेरी तरफ से भी और हुसैन की तरफ से। मुबारक हुआ वो आके दे देंगे इंशाल्लाह। लाली मतलब आज तो हीरो लग रहा था, सच बताऊं मेरा भाई हीरो लग रहा था माशाल्लाह माशाल्लाह। गोइंग अल्लाह हाफिज़। मुबारकबाद हुसैन की तरफ से भी मेरी तरफ से भी। आपको बहुत नहीं प्लीज इमोशनल नहीं मैं रोज। चलो अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। आ जाओ अभिया, अभिया बेटा से सारे अभिया को लेके हम लोग घर जाएंगे। और पता है आपको सबके अपने अपने पार्टनर से, सबके अपने अपने फ्रेंड से, मतलब जो ग्रुप बना हुआ है हुसैन ही नहीं थे, और उनको मैंने इतना ज़्यादा मिस किया। लेकिन इंशाल्लाह ज़ारिब की शादी में हुसैन ज़रूर होंगे। आप लोग आई नो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, वो एक्चुअली सऊदीया में है, अगर उनके लिए पॉसिबल होता तो वो ज़रूर आते। लेकिन बहुत से लोग हैं वो मुझसे कह रहे हैं कि हुसैन को आना चाहिए था, वो क्यों नहीं आया, ये बहुत गलत बात है, उनको आना चाहिए था, आना चाहिए था, आना चाहिए था। तो भाई वो सऊदीया में है, मतलब बिल्कुल अलग दिशा में, होता तो वो ज़रूर आते। मतलब लाली तो हुसैन के लिए बहुत अजीज़ है और ऑब्वियसली आते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाए। लेकिन इंशाल्लाह 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 शादी में ज़रूर आएंगे हुसैन। मैंने आपकी इससे कभी बोल दिया, मम्मा बाबा भी बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। मम्मा लाली और जनाब के लिए कुछ बोले। बहुत सारी दुआएं जनाब और लारिब के लिए, बहुत आगे बढ़े हैं और बहुत कामयाबी। उनकी जोड़ी हमेशा सलामत रहे। जोड़ी हमेशा। अम्मा साहब ने मुझे बोला शादी कब होगी, बताएं मेरी शादी कब होगी। अभी रबिया बहुत छोटी है, करेंगे तो आपको बताएंगे। मम्मा दानिश साहब ने बोल दिया बड़ी हो गई यार, पता नहीं वो मैं मम्मा को कभी भी छेड़ने में मजा आता है। चाहिए यार मुझे एक छुआरा नहीं मिला, मुझे नहीं पता था तुम छुआरे लेके आए हो। छुआरे दे यार, मैं कहीं रखे भूल गए बेसिकली। तुम उठा लो किसी का भी, वो देखो गुठली पड़ी हुई, अभी उठा लो। लारिब के लिए बाबा कुछ बोले, लारिब और जनाब के लिए। भाई माशाल्लाह दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है, और भाई मेरी तो सबके लिए दुआएं हैं माशाल्लाह कि जो भी जोड़ियां बन रही हैं, तय हो रही हैं, जो मामला तय हो रहे हैं, अल्लाह करे सबके नसीब अच्छे हो, सबका मुस्तकबिल सिक्योर हो और सब खूब तरक्की करें। सबसे खास बात है कि दोनों सेम प्रोफेशन के लोग होते हैं, एक दूसरे के नेचर को समझते हैं, एक दूसरे को काम को समझते हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं। तो भाई हमारी तो हिमायत है, आगे नसीब है, हम दुआ कर सकते हैं और अल्लाह ताला से अपनी दुआ की कबूलियत की दुआ। थैंक यू। क्या मेरी बेस्ट विशेस लारिब के लिए लिख दी थी, लारिब और जनाब के लिए, अब मैं हुसैन के लिए भी लिख देती हूं। मेरा हाथ नहीं पड़ रहा, लेकिन फिर भी सॉरी फॉर बैड हैंड राइटिंग। सी यू सून। हुसैन का नाम लिख दिया मैंने। नहीं, और हुसैन की तरफ से मैंने बेस्ट विशेस जो हैं वो ज़ारिब के लिए लिख दी हैं। कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत सारा प्यार बरसा दीजिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग से मुलाकात होगी। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, बाय बाय।